बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बताते हैं कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को देश भर ही नहीं बल्कि दुनिया भर ने याद किया, जहां सोशल साइट ट्विटर फेसबुक पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए भारतीय संविधान दिवस के दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन डे संविधान दिवस जैसे हिंदी में भी पूरे दिन भर ट्रेंड करता रहा। साथ ही आपको बताते हैं कि सेंट डॉक्टर अंबेडकर भी बहुजन समाज की तरफ से जलाया गया, जो ट्रेंड था वो भी देश भर के अंदर ट्रेंड कर रहा था। कई सारे ट्रेंड थे जो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन दिवस के तौर पर। आपको बता दें कि दुनिया भर में भारत का संविधान दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि मुख्य कार्यक्रम भारत के राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों का एक साथ संसद भवन के अंदर आयोजित किया गया, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मौजूद रहे। आपको बता दें कि तीनों ही नेताओं ने भारत की जनता को संबोधित किया और साथ ही देश के जनप्रतिनिधियों को भी उन्होंने संबोधित किया। इसके अलावा आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कुमारी मायावती, अखिलेश यादव सहित तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता उन्होंने भी सोशल साइट अकाउंट ट्विटर से फेसबुक से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन किया। साथ ही आप बहुजन समाज के अलग अलग संगठन जिसमें भीम आर्मी, चीफ चंद्रशेखर आजाद, प्रकाश अंबेडकर, वामन मेश्राम जैसे बड़े नेताओं ने भी बहुजन समाज के नायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान दिवस के मौके पर याद किया। आपको दिखाते हैं संविधान भवन की संसद भवन के दौरान आज कार्यक्रम हुआ, उसका पूरा वीडियो किस तरीके का। महामहिम राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदय, श्रीमान प्रहलाद जी और सभी आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, कुछ दिन और कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो अतीत के साथ हमारे संबंधों को मजबूती देते हैं, हमें बेहतर भविष्य में और उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज ये 26 नवंबर का दिवस ऐतिहासिक दिवस है। 70 साल पहले हमने विधिवत रूप से एक नए रंग रूप के साथ संविधान को अंगीकार किया था। लेकिन साथ साथ आज 26 नवंबर दर्द भी पहुंचाता है, जब भारत की महान उच्च परंपराएं, हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत वसुधैव कुटुंबकम के विचार को लेकर के जीने वाली इस महान परंपरा, उसे आज ही के 26 नवंबर के दिन मुंबई में आतंकवादी मंसूबों ने छलनी करने का प्रयास किया था। मैं आज उन सभी हुतात्माओं को नमन करता हूं। 7 दशक पहले इसी सेंट्रल हॉल में कितनी ही पवित्र आवाजों की गूंज थी, संविधान के एक एक अनुच्छेद पर बारीकी से गहन चर्चा हुई, तर्क आए, तथ्य आए, विचार आए, आस्था की चर्चा हुई, विश्वास की चर्चा हुई, सपनों की चर्चा हुई, संकल्पों की चर्चा हुई। एक प्रकार से ये सदन, ये जगह ज्ञान का महाकुंभ था और जहां पर भारत के हर कोने के सपनों को शब्दों में मढ़ने का एक भरपूर प्रयास हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, आचार्य कृपलानी जी, मौलाना आजाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, सुचिता कृपलानी जी, हंसा मेहता।